माई न्योमित कौशिक एंड टूडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वॉल्फ ऑन दी फॉक्स बाय बेन जॉनसन ये जो ड्रामा है वो बेन जॉनसन ने लिखा है आज हम इसके बारे में बात करेंगे इन दिस सेशन वी विल कवर इंट्रोडक्शन टू ऑथर कैरेक्टर्स समरी एंड थीम्स हम इसमें जो ऑथर हैं बेन जॉनसन उनके बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे समरी इन डेप्थ देखेंगे और थीम्स के बारे में बात करेंगे

ही जनरली रिगार्डेड दिस सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आफ्टर विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग द रेम ऑफ जेम्स फर्स्ट तो जो पोस्ट शेक्सपियन ड्रामा की अगर हम बात करें तो उसमें बेन जॉनसन को आ, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और वो जेम्स फर्स्ट की शासनकाल में थे अबाउट वॉलपोन वॉलपोन का नाम जो है इटालियन जो है वो स्लाई फॉक्स है इट्स अ कॉमेडी प्ले बाय इंग्लिश प्लेरिट ये एक कॉमेडी है तो आपको इसका जेनर याद रखना है इसका जेनर है आपका कॉमेडी बेन जॉनसन फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन सिक्सटी जीरो ऑफ ग्रीड एंड लस्ट ये एक सटा है जिसमें ग्रीड एंड लस्ट के बारे में बताया हुआ है इट रिमेन्स जॉनसन मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले एंड इट इज रैंकड अमंग द फाइनेस्ट जेकोबियन एरा कॉमेडीज ये आपका जो मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले भी बेन जॉनसन का है और साथ ही साथ फाइनेस्ट जैकोबियन एरा कॉमेडीज़ है एन एलिस्ट्रेशन फॉर एन नाइनटीन एटी नाइनटी एटीन नाइनटी एट एडिशन ऑफ वॉलपोन बाय ऑबरे बर्डस्ले वी हैव एटीन नाइन्टी एट में वॉलपोन का जो एक एडिशन आया था वो ऑबरे बर्ड्सले ने दिया था वॉलपोन द फॉक्स इज वेनिटियन जेंटलमैन हुटेंड्स टू बी और ऑन हिज डेस्ट बेट आफ्टर अ लॉन्ग एनलिस इन ऑर्डर टू ड्यू वॉल्टर दर्ल्च यहाँ पर uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नाम याद रखने हैं जो ये कैरेक्टर है एक वॉल्टर है उसका दर्ल्च कॉर्बेसियो द रेवन एंड कॉर्विनो द्रो थ्री मैन हु एस्पायर टू इनहैरिट हिज फॉर्चून ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी है यहाँ पर क्या होता है कि एक वेनिटियन जेंटलमैन जो है वो डेथ बेड पे रहने का एक प्रिटेंट करता है वो बहाना करता है कि वो डेथ बेड पे है मरने वाला है और वो कहता है कि मैं काफी हूं लेकिन वो क्या है बहुत अमीर है तो उसका जो उसकी जो फॉर्च्यून है उसकी जो जो भी संपत्ति है उसे लेने कर लेने के लिए वॉल्टो कॉर्बिशियो और कॉर्विनो आते हैं इन दियर टर्न्स ईच मैन अराइव्स टू वॉल्पोन्स हाउस बियरिंग अ लग्जूरियस गिफ्ट वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर उसको देखने के लिए आते हैं वहाँ पर उसकी केयर करने के लिए आते हैं इंटेक्ट अपॉन हैविंग हिज नेम इंस्क्रिप्ट ऑन हिज विल ऑफ वॉलपोन एज हिज एयर तो वो इसलिए लग्जूरियस गिफ्ट क्यों ला रहे होते हैं वो इसलिए ला रहे होते हैं कि जो वॉलपोन है वो अपनी विल में उनका नाम भी लिख दे जिससे कि उनको उसका जो भी संपत्ति है फॉर्च्यून है वो उसको मिले अब यहाँ पर आता है मॉस्को मॉस्का कौन है द फ्लाय वॉलपोन्स पैरासाइट सर्वेंट एनकरेज ईच मैन वॉल्टर कॉर्बेसियो एंड कॉर्विनो जो वॉल्टर वॉल्टोर है कॉर्बेसियो है एंड कॉर्बिनो है तीनों को इनकरेज करता है टू बिलीव दैट ही हैज़ बीन नेम्ड एय टू वॉल्पोन्स फॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ विच मॉस्का पर्सुएट्स कॉर्बेसियो टू डिसहेर इनहेरिट हिज ओन सन इन फेवर ऑफ वॉलपोन तो जो कॉर्बेसियो है उसको भी पर्सुएट किया जाता है कि वो खुद के बेटे को डिस इनहेरिट कर दे टू वॉलोन मोस्का मेन्शंस डेट कॉर्विनो हैज अफुल वाइफ सीलिया तो वॉलपोन को मोस्का ये भी बताता है कि जो कॉर्विनो है उसकी जो वाइफ है उसका नाम है सीलिया जो कि बहुत ही खूबसूरत है डिस्काइड एज स्कॉटो माउंट बैंक वॉलपोर्न गोस टू सी सीलिया अब वो, आ, क्या बनता है वहां पर ये आपको याद रखना है स्कॉटो बनकर जाता है सीलिया को देखने के लिए कॉर्वनो ड्राइव्स अवे स्कॉटो वॉलपोन हु दैन बिकम्स इंसिसटेंट दैट ही मस्ट प्रजेस्ट सीलिया एज ए जोन और जो स्कोटो जो एक्चुअल में वॉलपोन है एक वेनिटियन मर्चेंट वो क्या करता है कि अब बहुत इंसिस्टेंट हो जाता है कि उसे सीलिया को प्रजेस्ट करना है अपने पास लाना है मॉस्का डिसीव्स कॉरविनो इन टू बिलीविंग दैट द मॉरिबंट वॉलपोन विल बी क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस इफ़ ही लाइज इन बेड बिसाइड यंग वुमेन अब जो मोस्का है वो कॉर्विनो को कहता है कि जो वॉलपोन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर वो किसी यंग वुमेन के साथ में आ, सोता है बिलीविंग दैट वॉलपोन हैज़ बीन रेंडर्ड इम्पोर्टेंट बाय हिज़ इलनेस कॉर्विनो ऑफर्स हिज वाइफ जो वॉलपोन है उसको इम्पोर्टेंट मान कर, जो कॉरबिनो है वो अपनी वाइफ को ऑफर करता है इन ऑर्डर दैट वेन ही इज रिवाइव्ड वॉलपोन विल रिकोगगनाइज कॉरविनो एज एज सोल एयर तो वो ये भी कहता है कि जब वो रिवाइव हो जाए तो वॉलपोन जो है वो कॉरविनो को अपना एक उत्तराधिकारी जरूर बनाएगा जस्ट बिफोर कॉर्विनो एंड सीलिया आर ड्यू टू अराइव एट वॉलपोन्स हाउस जैसे ही कॉर्विनो और सीलिया uh, उसकी वाइफ आने वाले हैं वॉलोन के घर पर कॉर्बिसियो सन बोनरियो

अब पहले तो उसको प्रॉमिस करता है वॉलपोन काफी सारे प्रॉमिस करता है लेकिन जब वो प्रोमिस से, सेड्यूस नहीं हो पाती है तो वॉलपोन ट्राई करता है उसको रेप करने के बोनेरियो कम्स फॉरवर्ड टू तो रेस्क्यू सीलिया अब बोनेरियो अंदर जाता है रेस्क्यू कर लेता है सीलिया को इन दूंग ट्रायल एट कोर्ट ट्रस्ट ऑफ द मैटर इज वेल बोरीड बाय कोर्ट होता है, पर भी जो है, वो बच जाता है देअ आर एपिसोड इनवॉलिंग द इंग्लिश ट्रेवलर्स सर एंड लेडी पोलाइट वुड बी एंड पैराग्राइन हमें यहाँ पर कुछ एपिसोड ये भी देखने को मिलते हैं जो इंग्लिश ट्रेवलर्स सर एंड लेडी पॉलिटिक वुड बी एंड पैराग्राइन के कुछ एपिसोड देखने को मिलते हैं सर पॉलिटिक कॉन्स्टेंटली टॉक्स ऑफ प्लॉट्स एंड हिज आउट लैंड बिजनेस प्लान वाई लेडी वुड बी भी अनोईज वॉलफोन विद सीजलेस टॉकिंग और जो लेडी वुड बी है वो काफ़ी ज्यादा बात करती है जिससे कि वॉलोन काफ़ी परेशान होता है मोस्का कोआर्डिनेट्स अ मिक्सअप बिटवीन दैम विच लीवस

अरेस्ट कर लिया जाता है अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे जॉइंट टोटो शेल में छुपा देता है वॉलपोन इंसिस्ट ऑन डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एंड हैविंग इट अनाउंस दैट ही हैज डाइड एंड विल्ड हिज वेल्थ टू मोस्का तो जो वॉलपोन है उसने खुद को डिस्गाइज्ड किया हुआ है और ये अनाउंस करवाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी जो विल है वो मोस्का के लिए लिख दी गई है विच द दुड बी एयर्स वॉल्टो Uh, जो वॉल्टर है कॉर्बेशियो है और कॉर्बिनो ये क्या ये इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं एवरीवन रिटर्न्स टू कोर्ट टू डिस्प्यूट द विल ऑफ वाल्पोन हु बिकम्स एंटंगल्ड इन द सरकमस्टेंसेस ऑफ द प्लॉट दैट ही एंड मोस्का डिवाइस्ड डिस्पाइट वाल्टर वाल्पोनस प्लीज मोस्का रिफ्यूजेस टू रेलिंक्विश हिज न्यू रोल एज अ रिच मैन जो वॉलपोन uh, फिर क्या करता है प्ली करता है मॉस्का को मॉस्का बिल्कुल मना कर देता है कि uh, क्योंकि विल के अकॉर्डिंग सारा जो uh, जितना भी फॉर्च्यून है वो मॉस्का को मिल चुका है और वॉलपोन ने खुद को डेथ मान uh, डेथ अनाउंस कर दिया है वॉलपोन रिवील्स हिमसेल्फ वॉलपोन खुद को रिवील कर देता है एंड हिज डिसीड्स इन ऑर्डर टू टॉपल दी रिच मॉस्का और फिर वो जो मॉस्का है उसका जो सर्वेंट था उसको मीन्स जो उनका प्लान था वो बाहर आ जाता है इन द इवेंट वॉल्टर कॉर्बेसियो एंड कॉर्विनो मोस्का एंड वॉल्पोन हिमसेल फाइनली आर पनिश्ड और सारे जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं जो भी लस्ट और ग्रीड के चक्कर में एक दूसरे को ड्यूब करने की सोच रहे थे सारे के सारे पनिश्ड होते हैं प्ले अपियर्ड इन क्वार्टो इन अर्ली सिक्सटीन जीरो सेवन प्रिंटेड बाय जॉर्ज एल्ट फॉर पब्लिशर थॉमस थॉर्प तो ये थॉमस थॉर्प इसके पब्लिशर थे और जो प्रिंट किया था जॉर्ज ने किया था कैम्ब्रिज एज वेल एज अ ग्रेट नंबर ऑफ कमेंडे कमेंडेटरी वर्ड्स इन इंग्लिश एंड लेटिन बाई फेलो पोइट एस सच एज फ्रांसिस पियोमेंट एंड जॉन फ्लैचर इट्स नेक्स्ट अपियरेंस वोस इन दोलियो ऑफ सिक्सटीन 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 में जो फोलियो था उसमें भी इसको एड uh, किया गया था द लेटर जूमेबली हैविंग बीन सब्जेक्ट टू जॉनसन केयरफुल रिव्यू फॉम द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न एडिशंस और जो जॉनसन का केयरफुल रिव्यू था वो आगे आने वाले मॉडर्न एडिशन के लिए भी काम आया था इसमें अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की जो पहला कैरेक्टर हमने देखा था वो है आपका वॉलपोन दी स्लाई फॉक्स अ ग्रीडी एंड रिच चाइल्डिश वेनिटी एन मैग्नीफिशियो सो जो वॉल्ट वॉलपोन है वो खुद उसका नाम इसमें है द्लाई फॉक्स और ये एक बहुत ही लालची है मॉस्का द दि फ्लाई दिन एंड वॉल्टर दल्चर अ लॉयर वॉल्टर कौन है एक लॉयर है ये काफ़ी बार पूछा जाता है कॉर्बिशियो दैवन एंड अवैशियस ओल्ड माइजा एक बहुत ही बड़ा कंजूस है और उसको कॉर्बिसियो है तो आप देख सकते हैं कि ये आपके जो एनिमल्स हैं उनके नाम पर इनको कनेक्शन है आपका तो ये आपको याद रखना है बोनेरियो जो था वो हमें पता है कि कॉर्बिसियो का सन है जिसे वो डिस कर इनहेरिट करने की कोशिश करता है कॉर्बिनो दी कैरियन क्रो अ मर्चेंट ही इज़ अ मर्चेंट सीलिया जो है वो कॉरबिनोज की वाइफ है जिसको कॉरबिनो वॉलपोन के पास लेकर आता है सर पॉलिटिक वुड बी रिडिकुलस इंग्लिश मैन ये आपका रेडिकुलिस इंग्लिश मैन है लेडी वुड बी द पैरट इनका पैरट बोला गया है क्योंकि काफी बात करती थी इंग्लिश लेडी एंड वाइफ ऑफ सर पोलाइट पॉलिटिक वुड बी वुरेग्राइन अनदर मोर सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश ट्रैवलर नैनो अ डॉर्फ कंपेनियन ऑफ वॉलपोन जो नैनो था वो एक छोटा सा कंपेनियन था वॉलपोन का एंड्रू गाइनो हर में फोर डाइट कंपेनियन ऑफ वॉलपोन ये भी वॉलपोन के साथ है कैस्ट्रोन जो है एक यूनिक है कंपेनियन ऑफ वॉलपोन अगेन द एवोकेटोरी द दजस ऑफ वेनिस वॉलपोन टेक्स प्लेस इन सेवनटीन सेंचुरी वेनिस ओवर द कोर्स ऑफ वन डे द प्ले ओपन्स एट द हाउस ऑफ वॉलपोन ए वेनिटियन नोबल मैन पहले हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी थी

कलेक्ट किया एंड वी ऑल्सो लर्न दैट लाइक्स टू यूज हिज मनी एक्स्ट्रा वेगेंटली और जो उसका पैसा है खर्च भी करता है लास्ट थ्री इयर्स हीज बीन अट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ थ्री लेगे हंटर वॉल्टोर अ लॉयर कॉर्बेसियो एंड ओल्ड जेंटलमैन एंड कॉर्विनो अ मर्चेंट इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन इनहेरिटिंग हिज स्टेट आफ्टर ही डाइज तो वो काफी सालों से अट्रैक्ट करना चाह रहा था किसको जो तीन लेगेसी हंटर वाले थे वॉल्टोर और कॉर्बेसियो और कॉर्विनो को वोल्पन इज नोन टू बी रिच एंड ही इज आल्सो नोन टू बी चाइल्डिश हैव नो नेचुरल एयर्स उसका जो क्या है कोई भी नेचुरल एयर नहीं है लेकिन वो चाइल्डिश है और काफी रिच है फर्दर मोर ही इज बिलीव टू वेरी एल सो ईच ऑफ द लेगेसी हंटर्स लेवश गिफ्ट गिफ्ट्स ऑन हिम इन द होप दैट वॉलफोन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड विल मेक दैम हिज एयर तो यहाँ पर सबका यही मानना था तीनों का कि हम अगर उनको लेवशियस गिफ्ट देंगे महंगी गिफ्ट देंगे तो जो वॉलपोन है वो उनको अपना एयर बना लेगा उत्तराधिकारी बना लेगा दीगेसी हंटर डू नॉट नो दैट वॉल फोन इज एक्चुअली एक्सिलेंट हेल्थ एंड मेयरली फेकिंग इलनेस फॉर दर्पज ऑफ कलेक्टिंग ऑल दोल गिफ्ट तो वो खुद बीमार इसलिए हो रखा है कि उसे गेट वेल गिफ्ट चाहिए होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी है इन द फर्स्ट एक्ट ईच लिगेसी हंटर टू प्रेजेंट अ गिफ्ट वॉलपोन एक्सेप्ट फॉर कॉर्बेसियो हु ऑफर्स ओनली अ वर्थलेस एंड ऑफ ऑफ मेडिसिन बट कॉर्बेसियो एग्रीज टू रिटर्न लेटर इन द डे टू मेक वॉलपोन एज एयर सो दैट वॉलपोन विल रिवर रिटर्न द दिस एक्ट इज एज बोर्न टू वॉलपोन सिंस कॉर्बेसियो इन ऑल लाइकहुड विल डाई लॉन्ग बिफोर वॉल तो इससे वॉलपोन को पता चलता है कि जो कॉर्बेसियो है वो बहुत पहले मर जाएगा आफ्टर ईच हंटर लीज वॉलपोन एंड मॉस्का लाफ एट ईस गलीबिलिटी तो जो वॉलपोन है और मॉस्का है जब सारे जो हंटर्स हैं वो चले गए हैं तो वो काफ़ी हंसते हैं आफ्टर कॉर्बिसियोज डिपार्चर लेडी पॉलिटिक वुड द वाइफ ऑफ एन इंग्लिश नाइट लिविंग जब हाउसो चला जाता है तो लेडी पॉलिटिक वुड भी वहाँ पर आती है एंड वॉलपोन डिसाइड्स दैट ही ट्राई टू गेट अ क्लोज लुक एट कॉर्विनोज वाइफ सीलिया हु मॉस्का डिस्क्राइब्स एज वन ऑफ द मोस्टल ब्यूटिफुल वूमेन इन दिटी अब होता यह है कि फिर से हमने ये इंट्रोडक्शन में भी देखा था जो वॉलपोन है वो uh, कॉर्विनो की जो वाइफ है सीलिया उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अट्रैक्ट करना चाहता है क्योंकि जो मॉस्का ने मॉस्का है उसका सर्वेंट वॉलपोन का सर्वेंट वो बताता है कि सीलिया मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है पूरी इटली की शी इज कैप्ट अंडर लॉक एंड की बाय हर हैज़ हुजेन गार्ड्स ऑन एट ऑल टाइम बट वॉलपोन वोज टू यूज डिसगाइ टू गेट अराउंड दीज बैरियर्स अब वहां ये बताया जाता है कि जो सीलिया है उसके हस्बैंड के द्वारा उसको बिल्कुल लॉक रखा जाता है और की हस्बैंड के पास होती है और दस जो हैं वहां पे टेन गार्ड्स हर हर टाइम वहीं पे होते हैं तो वॉलपोन डिसाइड करता है कि मैं डिस्काइज होकर वहां पर जाऊंगा दिस सेकेंड एक्ट पोर्ट्रीज अ टाइम जस्ट अ शॉर्ट वाइल लेटर दैट डे एंड वी मीट सर पॉलिटिक वुड बी लेडी पॉलिटिक्स हजबेंड

The young boy and was to each him a thing or two about Venice and Venetians, Peregrine to enjoy the company of Sir Politics, but only because he is hilarious, gullible, and vain. The two are walking in the public square in front of Corvino's house and are interrupted by the arrival of Scotto, Mantua, actually. वॉलोन इन डिस्काइज एज इटालियन माउंट बैंक और मेडिसिन शोमैन तो यहाँ पे जो मैंट हुआ है, ये कौन है आपका, ये आपका जो होकर को देखने के लिए आता है लॉन्ग एंड कलरफुल स्पीच वॉकिंग डिजीज एंड सफरिंग जो स्कॉटो है वो पूरा अपने एक ऑयल लेकर वहां पर आता है और कहता है कि इससे

That he is sick with lust for Celia and Mosca सीलिया to deliver her to वॉलोन अब जो वॉलपोन है वो कंप्लेन करता है Mosca से कि वो lust for Celia से अब क्या है बीमार है और उसे वो चाहिए तो मोस्का एक तरह से शपथ लेता है कि मैं लेकर उसे आ जाऊँगा मीन वाइल्ड कॉरविनो ब्रेड्स इज वाइफ फॉर टॉसिंग हैंक अचीव सिंस ही इंटरप्रेट्स इट एज अ साइन ऑफ आर अनफेथफुलनेस एंड ही थ्रेटन्स टू मर्डर हर एंड हर फैमिली एज अ रिजल्ट अब जो कार्विनो है और अपनी वाइफ सीलिया को कहता है कि तुमने अपना जो हैंक चीप था वो टॉस्क क्यों किया उछाला क्यों ये तो अनफेथफुलनेस की निशानी है और वह उसे मारने के लिए आ, और उसकी फैमिली को भी मर्डर करने के लिए आ, थ्रेटन करता है ही डिक्रीज दैट एज पनिशमेंट शी विल नाउ नो लॉन्गर बी अलाउड टू गो टू चर्च शी कैनॉट स्टैंड याच वॉचिंग वॉल तो वो वॉलपोन को जब देख रही होती है विंडोज से इसलिए वो उसे पनिशमेंट के पनिशमेंट देता है कि अब वो नियर विंडो खड़ी नहीं हो सकती एंड मोस्ट बिजार शी मस्ट डू एवरीथिंग बैकवर्ड फ्राम ना ऑन शी मस्ट इवन वॉक एंड स्पीक बैकवर्ड तो उसे चलना भी बैकवर्ड है और बोलना भी बैकवर्ड है दैट वॉज सो फनी अबाउट दैट मॉस्का देन अराइव एम्प्लाइंग टू कॉर्विनो दैट इफ ही लेट्स सीलिया स्लीपिथ वॉलपोन की जो मॉस्का वहां पर आता है वो कहता है कॉर्विनो क्योंकि अगर सीलिया को वॉलपोन को वॉलपोन के साथ सोने के लिए अलाउ कर दिया जाए एज रेट्रो रेट्रेक्टिव फॉर वॉलपोन फॉलोइंग हेल्थ तो जो वॉलपोन है वो काफी बीमार है और मॉस्को कहता है वहां पे डिजगाइ या वहाँ पे ड्यूब करने के लिए बीमार हुआ है देन विल चूज हिम एज इज और अगर ऐसा कॉर्विनो कर लेता है तो जो वॉलपोन है वो उसे एज हिज एयर चूज कर लेगा सडनली कॉर्विनो जेलिस डिसअपियर्स एंड ही कंसेंट्स द ऑफर अब कॉर्विनो की जो जेलिसी है वो चली जाती है और वो इसके लिए हा कह देता है द थर्ड एक्ट बिगेन्स जो तीसरा एक्ट है वो शुरू होता है की फ्रॉम मॉस्का मॉस्का की जो की है उससे शुरू होता है इंडिकेटिंग दैट ही इज़ ग्रोइंग इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ हिज पावर एंड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम वॉलपोन अब वो जो है वो इंक्रीजिंगली कॉन्शियस होने लग गया है कि उसके पास जो पावर आने लगी है और वो अब इंडिपेंडेंट होना चाहता है वॉलपोन से मॉस्का देन रन्स इन बोनेरियो कॉर्बिसियो सन कॉर्बिक कॉर्बिसियो का जो बेटा है उस बोनेरियो उसका नाम है उसके पास जाता है कौन मॉस्का एंड इनफॉर्म्स द यंग मैन ऑफ हिस फादर्स प्लान टू डिस इनहेरिट हिम और उसके उसको पूरा इन्फॉर्म करता है कि उसके फादर ने उसको डिस इनहेरिट करने का प्लान बना लिया है ही हैज़ बोनरियो कम बैक टू वॉलपोन्स हाउस विद हिम इन ऑर्डर टू वॉच कॉर्बेसियो साइन द डॉक्यूमेंट होपिंग दैट बोनेरियो माइट किल कॉर्बिसियो दैन एंड देयर आउट ऑफ रेस दस अलाउिंग वॉल टू गेन हिज इन्हेरिटेंस early. तो यहाँ पर क्या है कि उसका प्लान ये था मॉस्का का प्लान ये था कि जैसे ही बोनेरियो आएगा और गुस्से में वो अपने फादर को कॉरबेसियो को मार देगा और जो जितना भी उसका इनहेरिटेंस uh, क्या होगा वो वॉलपोन को जल्दी मिल जाएगी मीन वाइल लेडी पॉलिटिक अगेन अराइज एट वॉलोस रेजिडेंस अब यहाँ पर जो लेडी पॉलिटिक है वो दोबारा वॉलोन के रेजिडेंस में आती है इंडिकेटिंग नाउ मिड मॉर्निंग अप्रोचिंग नोन दिस टाइम वॉलोन लेट्स हट ही सून रिग्रेट्स इट फॉर ही इज एक्सपरिटेड बाई हर टॉकेटिवनेस अब वो काफी परेशान है क्योंकि जो लेडी थी वो बहुत ज्यादा Talkative थी बहुत ज्यादा बातें करती थी तो एक कोटिसन के साथ में देखा गया है किसको सर पॉलिटिक को जैसे लेडी को ये बताया जाता है वो वहां से चली जाती है वॉलपोन देन प्रिपेयर फॉर हिस्सन टू सीलिया जो वॉलपोन है और वो तैयारी कर रहा है किस तरह से उस सीलिया को सड्यूस करेगा वाइल मोस्का हाइट्स बोनरियो इन द कॉर्नर ऑफ द बेडरूम और जो मोस्का है वो बोनरियो को कॉर्नर में छुपा देता है उसी बेडरूम के कॉर्नर में इन एंटिसिपेशन ऑफ कॉर्बिसियोस अराइवल की कॉर्बिसियो वहाँ पर आएगा तो वहीं पर वो छुपा हुआ है उसका बेटा बट सीलिया एंड कॉर्बिनो अराइव फर्स्ट उससे पहले कि उसके फादर आए उससे पहले ही सीलिया और कॉर्विनो जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं सीलिया कं, कंप्लेन बिटरली अबाउट बींग फोर्स टू तो बी अनफेथफुल वाइल्ड कॉर्विनो टेल्स हर टू तो बी क्वाइट एंड डू हर जॉब अब जो सीलिया है वो काफ़ी इस बात के लिए गुस्सा है कि उसे फोर्सफुली अनफेथफुल बनाया जा रहा है लेकिन जो कॉरविनो है वो कहता है कि बी क्वाइट एंड डू योर जॉब वेन सीलिया एंड वॉलोन आर अलॉन्न टुगेदर जब सीलिया और वॉलोन दोनों के दोनों अकेले हैं वॉलपोन ग्रेटली सरप्राइज सीलिया बाय लीपिंग आउट ऑफ बेड। तो वॉलपोन जो है वो सीलिया को सरप्राइज करता है वो बिल्कुल कूद कर बाहर आता है अपने बेड से। सीलिया हैज हैड एक्सपेक्टेड दी एक्सपेक्टेड एन ओल्ड इन मैन बट वट शी गेट्स इंस्टेंट लोथारियो अटम्प्टू शेड्यू हड्यूस विदेशनेट स्पीच अब उसने तो जो सीलिया है उसने आ, सोचा होता है कि वहाँ पर काफ़ी ओल्ड मैन होगा बट एक एक्टिव पर्सन वहाँ से निकलता है ऑलवेज द गुड क्रिश्चन सीलिया रिफ्यूज वॉलपोन्स एडवांस वो एक अच्छी क्रिश्चन होती है सीलिया मना कर देती है इस बात के लिए एट विच ग पॉइंट वॉलपोन सेज दैट ही विल रेप हब वॉलपोन कहता है कि मैं उसका रेप कर दूंगा बट बोनेरियो अब जो बोनेरियो वहां पर छुपा हुआ था हु हैज बीन विटनेसिंग द सीन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस द एंटायर टाइम रेस्क्यू सीलिया अब वो सीलिया को रेस्क्यू कर लेता है बचा लेता है बोनेरियो मोस्का ऑन हिज वे आउट जो बोनेरियो है वो मोस्का को भी वॉन्डेड uh, कर देता है कॉर्बेसियो फाइनली अराइव टू लेट एज डस वोल्टेयर और वोल्टेयर और जो कॉर्बेसियो है वो फाइनली वहाँ पर आ जाते हैं मॉस्का प्लॉट्स विद वॉल्टेस असिस्टेंस हाउ टू गेट वॉल पोन आउट ऑफ दिस है वो वॉल्टर के साथ में एक प्लान बनाता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाएगा अशॉर्ट वाई लेटर इन दर्ली आफ्टरनून पैरेग्राइन एंड सर पोलाइट पॉलिटिक आर स्टिल टॉकिंग अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आफ्टरनून में जो पैराग्राइन है और सर पॉलिटिक है वो दोनों के दोनों अभी भी बात कर रहे हैं सर पोलिटिक गिव्स दंग ट्रेवलर स्कीम्स ही तो दोनों के बीच में बात चल रही होती है कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे हम काफी पैसा बना सकते हैं दे आर सोन इंटरप्टेड बाय लेडी पॉलिटिक अब वहाँ पे लेडी पॉलिटिक आ जाती है उसे लगता है कि जो पैराग्राइन है वो प्रॉस्टिट्यूट है मॉस्का उस, ने उसको बोला था बताया था

दी वेटन सीन एट बिल्डिंग वेर सीलिया एंड बोनेरियो हैं दोनों के दोनों के पास आ जाते हैं और वहाँ पर सारी बातें बता देते हैं जो वॉलपोन का जो डिसीट था उसने जो धोखा दिया था वॉलोस टू रेप सीलिया एंड कॉर्बिस इनहेरिटेंस ऑफ इज सन एंड कॉर्विनोज डिसीजन टू प्रोसिक्यूट इज वाइफ सारी बातें वो जाकर जजेस को बता देते हैं लेकिन यहाँ पर जो डिफेंडेंट्स हैं वो काफी एक बहुत अच्छा वकील उनका होता है जो कि होता है वॉल्टर और वो खुद को बहुत अच्छे से आ, केस को वहां पर डील करते हैं और बिल्कुल अपोजिट वहां पर सारी चीजें पोर्ट्रेट कर देते हैं वॉल्टर वॉल्टोर जो है वो बोनेरियो एंड सीलिया को एज अ लवर पोर्ट्रेट कर देते हैं वो कहते हैं कि बोनेरियो और सीलिया जो है वो लवर हैं और कॉरविनो एक इनोसेंट जिल्टेड हस्बैंड है और कॉरबेसियो एज अ वेड फादर नियरली किल्ड बाय हिज सन कि जो कॉरबेसियो है वो वंडेड फादर है और उसके बेटे ने उसे मारा था जज आर स्वीट दैन लेडी पॉलिटिक कम्स इन एंड अप परफेक्टली बाय मोस्का आइडेंटिफाई सीलिया एज दूसर ऑफ हर हजबैंड सर पॉलिटिक अब यहाँ पर फिर से दोबारा से जो लेडी पॉलिटिक्स पॉलिटिक वहां पर आती है और वो सीलिया को देख लेती है और जो मॉस्का के द्वारा वहाँ पर लाई जाती है वो देखती है कि जो सीलिया है वो सीड्यूसर है उसके हस्बैंड की फॉर द दे आर कन्विंस्ड व्हेन वॉलपोन एंटर्स द कोर्ट रूम अगेन एक्टिंग एल। और जो फिर वॉलपोन वहां पर आता है कोर्ट में और वो फिर से एक्ट करता है वहां पर कि जैसे वो फिर से बीमार है द जज इज ऑर्डर दैट एंड एंड बोनेरियो बी अरेस्टेड सेपरेटेड और जजेस जो हैं वो ऑर्डर दे देते हैं कि जो सीलिया और बोनेरियो हैं दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए और उन्हें सेपरेट कर लिया जाए इन फाइनल एक्ट वॉलपोन रिटर्न होम टायर्ड एंड वरीड दैट ही इज एक्चुअली ग्रोइंग इल अब जो वॉलपोन है वो घर आता है और वो अब फिर से वरीड है कि वो कहीं एक्चुअली वो अब फिर से बीमार हो रहा है फॉर ही इज़ नाउ फीलिंग सम ऑफ दिस सिम्टम्स ही हैज़ बीन फेकिंग अब उसे कुछ सिम्टम हो रहे हैं जो फेक कर रहा था टू डिस्पेल हिज फीयर्स ही डिसाइड्स टू इंगेज इन वन फाइनल प्रैंक ऑन दी लीगेसी हंटर्स अब वो फिर से एक फाइनल uh, प्रैंक करने की कोशिश करता है ही स्पेट्स अ र्यूमर दैट ही हैज़ डाइड अब वो फिर से एक प्रैंक करता है और कहता है कि वो मर चुका है ये वो अनाउंस करवा देता है टेल्स मोस्का मोस्का ही हैज बीन मेड हिज और जो है उसको सारा का सारा उसे एयर बनाकर दे दिया गया है विल के अकॉर्डिंग द प्लान गोज ऑफ परफेक्टली एंड ऑल थ्री लेगेसी हंटर्स आर फूल्ड अब ये जो तो प्लान था वो बहुत अच्छे से परफेक्टली परफेक्टली कर लिया जाता है और जो लेगेसी हंटर्स हैं वो फोल्ड हो चुके हैं उनको बेवकूफ बनाया जा चुका है वॉलपोन दैन डिस्काइज हिमसेल्फ एज एजिटियन गार्ड सो दैट ही कैन ग्लोट इन ईच लेगेसी हंटर्स फेस ओवर देयर ह्यूमिलिएशन विदाउट बीन रिकोगनाइज और खुद वो क्या बनता है वेनिटियन गार्ड बनता है वॉलपोन देखने के लिए कि उनके क्या रिएक्शंस हैं तीनों के रिएक्शंस क्या क्या हैं बट मोस्का लेट्स द ऑडियंस नो दैट वॉलपोन इज डेड इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड एंडट will विल नॉट लेट हिम रिटर्न टू world ऑफ लिविंग अनलेस वॉलपोन पेज अप गिविंग मॉस्का a share ऑफ his wealth. अब मॉस्का जो है वो बहुत तेज हो चुका है जो सविन था अब उसने क्या किया कि पूरे ऑडियंस को बता देता है कि वह अब वॉलपोन को दोबारा से दर्ल्ड ऑफ लिविंग में नहीं आने देगा जब तक कि वह अपना एक शेयर मॉस्का को नहीं दे देता Meanwhile, glots in front of each legacy hunter, deriding them for having lost Walpone's inheritance to parasites such a, such as mosca. And he successfully avoids recognition. वो सबके सामने आता है लेकिन बिल्कुल disguise जो होता है वो सक्सेसफुली उसे खुद को अवॉइड कर लेता है लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं बट इज प्लान बैकफायर्स नन लेस लेकिन उसका जो प्लान था वो बिल्कुल आ, वापस उसी पर backfire कर देता है क्यों क्योंकि जो मॉस्का है उसने आ, बिल्कुल ये चीज अब मना कर दी है लोग कि वो वॉलपोन जो है कि वो जीवित है ही इज अ लिविंग पर्सन वोल्ट डिराइव ड्रिवन टू सच अ स्टेट ऑफ डिस्क्रिप डिस्ट्रेक्शन बाय वॉलपोन टीजिंग वॉलपोन वॉल डिसाइड्स टू रिकेंट हिज टेस्टमनी इन फ्रंट ऑफ द दिनेट जो वॉल्टर है उसने सीनेट के सामने अपनी जो टेस्ट मनी हो वो बता दी है और जो फाइनल जो मॉस्का है उसको एज ए क्रिमिनल वहाँ पर प्रेजेंट करता है कॉर्विनो अज हिम टू ऑफ बीइंग अ सोल लूजर कॉर्विनो जो है वो उसे लूजर कहता है अपसेट दैट मॉस्का वो इस बात से अपसेट है कॉर्विनो भी इस बात से अपसेट है कि उसे जो मॉस्का है उसको पूरा इनहेरिटेंस वलपोन का मिल चुका है Volpon nearly recovers from his uh, blunder by telling Walter in the middle of the Senate proceeding that Volpon is still alive. Volpon, ja uh, that Volpon uh, is alive, Moscow pretends to faint and claims to the Senate that he does not know uh, where he is, how he got there, and that he must have been possessed by demon during the last few minutes when he was speaking to them. अब यहाँ पे मॉस्का जो है वो खुद ऐसा प्रटेंड करता है कि वो बेहोश हो चुका है और सीनेट के सामने वो ये करता है ये प्रटेंट करता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है वहाँ कैसे पहुँचा है और इस तरह से वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि एक डीमन ने उसको पजेस कर लिया था और वो नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा था ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स इज नॉट डेड वो सीनेटर को बताता है कि वॉलोन uh, नहीं मरा है कॉन्ट्राडिकॉर वॉलोन रिटर्न एंड इंस्टेड ऑफ कंफर्मिंग वॉल्टियर्स क्लेम दैट वॉलपोन इज अलाइव मॉस्का डिनाइज इट मॉस्का इस बात के लिए मना कर देता है कि जो वॉलपोन है वो जीवित है मॉस्काज अल रिटर्न बाय वॉलपोन एंड इन हिज सिग्नेचर स्टेटिंग दैट ही इज वॉलपोन्स एयर मोस्का जो है वो एक व्हील के साथ में आता है वहां पर जिसमें कि खुद वॉलपोन का एयर उसे बताया जाता है ये जो बात लिखी होती है खुद वॉलपोन ने प्लान के तहत विल बनाई होती है नाउ दैट वॉलपोन इज बिलीव टू बी डेट मॉस्का लीगली ओन्स वॉल्पोन्स प्रॉपर्टी एंड मोस्का टेल्स वॉलपोन दैट ही इज नॉट गोइंग टू गिव इट बैक बाई ट जो मॉस्का है वो ये वॉलपोन को कह देता है कि मैं आई विल नॉट टेल एंड आई विल नॉट गिव इट बैक टू यू योर मनी रियलाइजिंग दैट ही हैज़ बीन बिटवीन वॉलपोन डिसाइड्स दैट रादर देन लेट मोस्का इनहेरिट हिज वेल्थ ही विल टर्न दैम बोथ इन अब वो जो वॉलपोन है वो सोचता है कि मैं मोस्का को ये जितना भी Uh, उसकी वेल्थ है उसे नहीं दूंगा और दोनों को वो इस प्लान को ब्रेक uh, करेगा वॉलपोन टेक्स ऑफ हिज डिस्गाइज एंड फाइनली रिवील्स द अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास डे और ये सारी बातें वो डिस्गाइज जो है उसको हटाने के बाद वो सारे लोगों को बता देता है वॉलपोन एंड्स टू प्रिजन वाइल मॉस्का इज कंसाइन टू अ स्लेव गैले और जो वॉलपोन है उसे तो जेल में भेज दिया जाता है मॉस्का जो है उसे कंसाइन टू स्लेव गैलेक कर लिया जाता है वॉल्टोर इज डिबार्ड डिस्बार्ड कॉर्बेसियो इज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विच इज गिवन टू हिज सन बोनेरियो और उसकी उसके जो बेटे बेटा है बोनेरियो उसको दे दिया जाता है कॉर्बिनो इज पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड फोर्स टू वियर या वाइल्ड बींग रोड अराउंड कैनल ऑफ मेनिस और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों के साथ में क्या क्या किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि कॉर्बिनो को किया जाता है और उसे जो पहनाए जाते हैं और पूरे वेनिस में उसे घुमाया जाता है एट द एंड देयर इज अ स्मॉल नोट फ्रॉम द द्लेट टू द ऑडियंस सिंपली आस्किंग देम टू आस्किंग्लॉड इफ दे द प्ले दे जस्ट सो लास्ट में क्या किया जाता है बेन जोसन ने अपने प्ले के लास्ट में ये क्या है कि अगर आ, जो ऑडियंस है उनको कहा है कि आप अपलोड कीजिए अगर आपको ये प्ले पसंद आया हो तो अगर हम थीम की बात करें तो पहला जो फर्स्ट थीम है इसमें वो है ग्रीड दूसरा एनिमलाइजेशन तीसरा आपका है पैरासिटिज्म और मेटा थिएट्रिकली वेंजिंस आपका फोर्थ इसका थीम है फिफ्थ है आपका डिसेप्शन नॉलेज एंड इग्नोरेंस तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है ग्रीड भी इसमें देखने को मिलती है एनिमलाइजेशन हमें देखने को मिलता है सीलिया को वहाँ ले जाया जाता है पैरासिटिज्म देखा जाता है हम मॉस्का के उसमें दिखते हैं मेटाथियटिकल और वेंजीन्स हमें इसमें देखने को मिलता है और डिसेप्शन नॉलेज एंड इग्नोरेंस ये सारे इसमें थीम्स हैं तो अगर हम फर्स्ट बात करें ग्रीड के बारे में बात करें द थीम ऑफ ग्रीड परवेट्स

एनिमलाइजेशन की बात करें एनिमलाइजेशन दैट इज़ जॉन्सनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स एज देर नेम एक एनिमल्स ट्रांसफॉर्म्स वॉलपोन वॉलपोन इंटू काइंड ऑफ़ फेबल तो यहाँ पर जो एनिमलाइजेशन हमें नाम नामों में देखने को मिलता है नेम्स में देखने को मिलता है तो आ, काफ़ी सारे नेम वहाँ पे है और जो वॉलपोन है वो काइंड ऑफ अ फेबल हमें देखने को मिलती है फेबल मीन्स होता है जो स्टोरी एनिमल्स को रिप्रेजेंट करके लिखी जाती है Arguably, the characters are not as one-dimensional as their names might suggest, but their names are fitting, memorable, and most importantly, descriptive. If the names of Johnson's characters can be considered predictors uh, of their actions, then the majority of the play's actions comes as no surprise to the audience. Or, here, we to that ना हम प्रिडिक्शन कर पाए उनके नाम के जॉनसन के जो कैरेक्टर्स हैं तो हमारे जो प्ले है उसमें कोई हमें सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा पैरासिटिज्म हमें देखने को यहाँ पर मिलता है ऑल द इज द फॉर्मोस्ट पैरासाइट इन द्ले कॉर्विनो कॉर्बेसियो एंड वॉल्टर माइट वेल बी कंसिडर पैरासाइट एज वेल हमें जो मॉस्का है वो तो हमें पैरासाइट जैसे वर्क करते हुए दिखता है बट यहाँ पर हमें कॉर्विनो कॉर्बिसियो और वॉल्टर भी पैरासाइट्स की तरह काम करते हुए दिखते हैं सटनली वॉल्स एंटायर स्कैम डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू लीच हिज क्लाइंट्स जो हमें देखते हैं कि जो मॉस्का है वो आ, हमें लीच करते हुए देखते हैं उस, उसके जो क्लाइंट्स हैं बट इफ़ नॉट फॉर द क्लाइंट्स डिज़ायर टू लीच वॉलपोन द स्कैम वुड फॉल फ्लैट और जो वॉलपोन है वो उसको भी करने के सोचता है वॉलपोन मोस्का एंड ऑल द क्लाइंट्स आर इनफैक्ट कम्पीटिंग पैरासाइट्स और जो पैरासाइट अगर हम देखें तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे ये सभी पैरासाइट हैं पैरास पैरासिटिज्म इज एन एक्सप्लिसिट थीम ऑफ द प्ले एज इट इमर्जेस फ्रॉम मोस्का सोल की एक्सप्रेसिस हिज ओपिनियन दैट पैरासिटिज्म इज अ यूनिवर्सल गाइडेंस गाइडिंग प्रिंसिपल तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा कि यूनिवर्सल गाइडिंग प्रिंसिपल है पैरासिटिज्म सो इट वाज सेड बाय मोस्का दैट एवरीवन इज पैरासाइट बट सम आर बेटर एट इट देन अदर्स कुछ ज्यादा बढ़िया पैरासाइट होते हैं औरों से मेटाथिएट्रिकलिटी की बात करें द थीम ऑफ मेटाथिएट्रिकली इज रिवीलिंग हियर ऑल्दो देयर आर ओनली अ फ्यू सीन्स विद क्वालीफाइड

It is sparingly present in the main plot. The theme of Vengeance is much more prominent in the subplot of Walpon Vengeance means revenge. plot The story of Sir Politic and Peregrine, besides being a warning to the English state, points out the ludicrousness of traditional Vengeance. पैराग्राइन हु ऑनली थिंग्स ही हैज बीन रोम ड्राइव्स टू लीव अस मेयरली फॉर दिसन ऑफ सींग नाउ वी आर इवन जो पैराग्राइन है वो वेनिस से चला जाता है इफ़ नथिंग एल्स हिस्स दिस पैरेबल टीचेज वाइल्ड परस्यूट तो ये जो पैरेबल है जो हमें देखने को मिलती है इसमें हमें पता चलता है कि जो वेंजिन है ये एक चाइल्ड परस्यूट है लाइक ग्रीड डिसेप्शन परवेड्स दर प्ले जो डिसेप्शन थीम है वो हमें पूरे प्ले में देखने को मिलती है एज थीम डिसप्शन हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स फॉर पनिशमेंट और जो डिसेप्शन है वो इफेक्ट uh, है और मार्किंग कैरेक्टर्स फॉर पनिशमेंट इन द मेन प्लॉट ऑफ वॉलपोन जॉनसन सेंस ऑफ पोइटिक जस्टिस एज सच सच दैट एनी कैरेक्टर हु डिस अनदर इज अल्टीमेटली पनिश्ड हमें यहाँ पर पोइटिक जस्टिस भी देखने को मिलता है पोइटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो जैसा करता है वैसा उसे आ, लास्ट में उसे पनिशमेंट जरूर मिलती है तो ये हमें देखने को मिलता है कि लास्ट में सभी लोग पनिश होते हैं बोनेरियो एंड सीलिया हु नेवर इंगेज इन डिसेप्शन बट आर ऑनेस्ट टू द लास्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पोइटिक जस्टिस में कि जो बोनेरियो और सीलिया थे दोनों के दोनों ये किसी आ, डिसेप्शन में किसी को धोखा देने में उनका कोई हाथ नहीं था इसलिए वो लास्ट में उन पनिशमेंट से वो एक्जेम्प्ट हो पाते हैं उन्हें इससे छूट मिल पाती है मीनवाइल मोस्का वॉलपोन एंड द रेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर ऑल गेट देयर कमपेन्स और जो मोस्का है वॉलपोन है और जो सारे क्लाइंट है उन सभी को पनिशमेंट मिलती है नॉलेज एंड इग्नोरेंस एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द

एनश्योर्स दैट ओनली दुली अवेयर ऑफ ईच कैरेक्टर सिचुएशन सिर्फ एक ऑडियंस है जिसे सारे कैरेक्टर्स के बारे में सिचुएशंस के बारे में पता है नॉट इवन मॉस्का दास्टर पपिटिया नोज दैट कॉरविनो एंड सीलिया विल कम टू दलिया देन एक्सपेक्टेड एंड दैट एज अ रिजल्ट बोनेरियो विल लीप आउट एंड डिस्कवर वॉलपोन् तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉस्का जो पूरे प्लान को करता है वो भी इग्नोरेंट है चीज़ों के लिए वो भी नहीं जानता था कि सीलिया और जो बोनेरियो हैं वो एक साथ वहाँ पर आ पाएंगे जॉनसन प्लेज विद द नोइंग पोजिशन ऑफ द ऑडियंस इनवाइटिंग अस टू कंसिडर दियर मॉरल फॉलिंग फेलिंग फ्रॉम द अनसरप्राइज पोजिशन दस दी क्विट्स इग्नोरेंस विद मॉरल सिकेनेरी एंड नॉलेज विद मॉरल इंस्ट्रक्शन

और लास्ट में जो पैराग्रेन है चला जाता है। ऑन सब्जेक्ट ऑफ द माउंट बैंक्स फॉर एग्जाम्पल पैराग्राइन है आयरनिकली पैराग्राइन इज सपोजली बींग इंस्ट्रक्टेड बाय सर पोलाइट इन द वेज ऑफ जेंटलमैन ट्रेवलर सो so, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो पैराग्राइन है वो नॉलेजबल है फिर भी उसे जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो सर पॉलिटिक के द्वारा किया जा रहा है सर पॉलिटिक एंड पैराग्राइन्स इंट्रैक्शन माइट बेस्ट बी समराइज बाय द मैगज सेज वाइज मैन लर्न मोर फ्रॉम फूल दैन फूल्स फ्रॉम वाइज तो यहाँ पर ये जो मैगज है वो हमें बिल्कुल फिट बैठती है कि एक जो वाइज मैन होता है वो एक बेवकूफ से ज़्यादा सीखता है बजाय कि एक बेवकूफ a wise man say so thank you for watching this one see you in next lesson